से बाहर नौकरी के नाम पर ठगी करने के आरोपी को युवकों ने पकड़कर साक्षी पुलिस के हवाले किया। जमशेदपुर के भोले भाले बेरोजगार युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में आज पीड़ित नौजवानों ने गैलेक्सी कंसल्टेंसी के संचालक साधन पांडा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साधन के कार्यालय से 13 पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। इधर साक्षी पुलिस साधन से पूछताछ कर रही है। मामले को लेकर पीड़ित शहनवाज अहमद ने बताया कि साधन के कार्यालय में दीपक और जुबैर के अलावा एक महिला भी काम करती है। कार्यालय में विदेशों में नौकरी दिलाने का कार्य किया जाता है। उसका कार्यालय साक्षी के शताब्दी टावर के 4th तल्ले में है। उसने दुबई में नौकरी के लिए कंसल्टेंसी के लिए 30,000 रुपये दिए थे। इसके अलावा फैज़ अहमद, शकील अहमद, फाहद तनवीर और कासिफ अली के अलावा कई लोगों से रुपए लिए थे। कुल मिलाकर 5 से 6 लाख रुपया लिया गया, पर जब भी उसे नौकरी के बारे में पूछा जाता तब भी वो टाल देता। आज उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। इधर साधन ने बताया कि उसने दीपक और जुबैर को अपने कार्यालय में जगह दी थी, उन्होंने ही जॉब दिलाने के लिए रुपए लिए हैं। फिलहाल वह फरार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला क्या है? मामला ये है कि धोखाधड़ी का मामला है, पैसा लेके भाग गया एजेंट। किस तरीके से धोखाधड़ी हुई आपके साथ? गल्फ जाने का नाम पे लड़का लोग से पैसा ले लिया, ऑफर लेटर जाली दिखा के, और जो दो लड़का था, मतलब जो काम कर रहा था, जिसके ऑफिस के अंडर में था, ऑफिस का बॉस यहाँ है, पर वो जो दो लड़का और था ना, उन लोग दोनों लापता हो गया। क्या नाम उन लोगों का? और एक मैडम भी थी उसमें। दो लड़का था, एक का नाम दीपक, हम लोग को बताया था वो अपना नाम दीपक, उसका ओरिजिनल नाम अमरेश है, ठीक है। दूसरा लड़का था जुबैर, पुलिया रोड में रहता है, वो भी वही फरार है। मेन तो वही फरार है, उसके घर गए। अभी क्या, कौन पकड़ा है अभी? अभी हम लोग को ऑफिस का मेन बॉस पकड़ा है। वो बोल रहे हैं कि हमारा अंडर में नहीं था वो दोनों आदमी। कितने लोगों का पैसा लेके भागा है? करीब वही 35-40 लोग, 35-40 लोग लगभग, वही 7-6 लाख रुपए लेके भागे। तो ये कहीं ऑफिस से रह करके कारोबार कर रहे थे? ये ऑफिस टावर हीरो होंडा शोरूम है ना, उसका 4th फ्लोर, वही बिल्डिंग, वही ऑफिस है इनका। ऑफिस का नाम है गैलेक्सी टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अभी आम पब्लिक के द्वारा ही हम लोग को सूचना मिला था कि एक गैलेक्सी कंसल्टेंसी करके हैं, जिसके संचालक हैं काली शरण पांडा जी। हाँ, तो वहीं पर वे दूसरे को जॉब वगैरह दिलवाते थे कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में। तो उसमें और उसके साथ साथी हैं काली शरण पांडा के साथ, एक हैं दीपक और एक जुबैर करके हैं, जो इलीगल तरीके से पासपोर्ट भी बनाते थे, जैसे अभी सूचना मिली है। और काली शरण पांडा के पास सभी 13 पासपोर्ट बरामद हुआ है, तो उस विषय पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। जैसे उसके बारे में और कुछ आगे हम लोग कार्रवाई करते हैं तो आप लोग सूचना दिया जाएगा। क्या बोले? कबूतरबाजी का मामला जो होता है कि विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर। हाँ, बात तो वही, अभी तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे उससे पूछताछ और आगे जैसा होता है आप लोग बताया जाएगा। अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। पैसे भी कई सारे लोगों से लिया गया है विदेश भेजने के नाम पर। हाँ, रकम की अभी स्पष्टता तो नहीं आई है, लेकिन जैसे करीब 15-20 आदमी बता रहे हैं कि सभी के साथ कई 10,000, किसी के साथ 15,000, किसी के साथ 20,000, इस रेशियो में बताया जाए तो करीब 1.5-2 लाख रुपया का ठगी किया। ग्रामीण क्षेत्र से भी कई सारे लोग हैं जिनको टाटा स्टील में नौकरी के नाम पर उनसे भी पैसा। नहीं नहीं, इस विषय में अभी तक हम लोग जानकारी नहीं है इस विषय में। सर, कितने लोग थे इसमें? अभी तो जैसे जानकारी मिली है कि 3 आदमी हैं। कितने लोग? आम पब्लिक के द्वारा ही काली शरण पांडा को पकड़ा है, तो उसी के पास से 13 पासपोर्ट मिला है, और उसी विषय में हम लोग जाँच कर रहे हैं। जैसे होता है हम लोग आपको सूचना करेंगे। करीब ये जैसे बता रहे हैं काली शरण पांडा से इंक्वायरी में, जैसे हम लोग अभी पता चला है कि ये 2 महीना से करीब उन लोगों के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे।